माधव की जर्नी हालांकि छोटी थी लेकिन कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा था. एक ग्राफ था जो कि मुझे हर कैरेक्टर में, मैं खुद पर्सनली पसंद करता हूँ कि कैरेक्टर की एक जर्नी होनी चाहिए, चाहे वो ग्रेट हो, पॉजिटिव हो, या उसका कुछ बैकड्रॉप हो जिस वजह से वो ऐसा है. तो वो चीज़ मुझे मिली है ना, वेरी हैप्पी कि वो लोगों को पसंद भी आया जिस तरह से हमने पोर्ट्रे किया है. सो आई एम क्वाइट कंटेंट दैट वेंट वेल. ऐसी खुशी काम होता है. बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, बहुत अच्छी टीम है, सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, यहाँ की पूरी यूनिट बहुत प्यारी है. और अगर एक्टर्स की बॉन्डिंग कहें तो सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई इतने कम समय में, अच्छे दोस्त बना के जा रहे हैं सब. सो आगे चल के देखो साथ में कहाँ काम करते हैं. मिस तो ऑब्वियसली ऐसी टीम जो भले ही वो कैमरा डिपार्टमेंट हो या डायरेक्शन डिपार्टमेंट, सब हंसी खुशी करते हैं काम यहाँ पर. मैंने आज तक यहाँ पे किसी को चीखते चिल्लाते हुए ज़्यादा नहीं देखा है, एक आधी बार तो हर जगह हो तो, बट इट इज़ अ वेरी हैप्पी सेट. सो आई एम गोइंग टू मिस दैट. जी जो फैंस हैं उन्होंने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है. ये माधव को भी बहुत प्यार दिया, सूरज को तो खैर बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया. और अभी भी मैं जब कहीं निकलता हूँ या कहीं पर भी फैंस अगर मुझे मिलते हैं, मुझे सूरज के नाम से ही जाना जाता है. सो बहुत सारा प्यार दिया और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा. और श्योर बहुत जल्द मुझे लगता है कि वापस स्क्रीन पे. आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड बट अभी कुछ बातें भी चल रही है लेकिन नथिंग इज कन्फर्म्ड डेट. तो जब कन्फर्म हो जाएगा मैं अनाउंस करूँगा वो चीज़. बट श्योरली बहुत जल्द मिलेंगे.